Hey guys, welcome to my channel hashtag Ritu's Kitchen and here I am back with a new recipe. दोस्तों normally हम custard fruits के साथ ही खाते हैं पर क्यों ना आज custard को थोड़ा अलग अंदाज से ही खाया जाए तो इसीलिए मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ custard की एक नई रेसिपी जिसका नाम है Oreo Vanilla Custard. तो इसे बनाने के लिए हमें चाहिए दूध, चीनी, कस्टर्ड पाउडर, ओरियो बिस्किट, फ्रेश क्रीम, वैनिला एसेंस और मिक्स फ्रूट जैम. तो सबसे पहले हम 7 से 8 ओरियो बिस्किट लेके उसे ब्लेंडर में ब्लेंड करके एक स्मूथ पाउडर बना लेंगे. दूध को गर्म करने से पहले 4 से 5 टेबलस्पून दूध हम एक बाउल में अलग से रख देंगे. अब उस दूध में 1 से 2 टेबलस्पून कस्टर्ड पाउडर ऐड करेंगे और कस्टर्ड पाउडर और दूध को अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि उसमें कोई लम्प्स ना आए. अब बाकी बचे हुए दूध को हम लो फ्लेम में बॉयल करेंगे. नीचे लग के दूध ना चले इसलिए हम बीच बीच में स्टर करेंगे. अब 2 टेबलस्पून शुगर हम इस दूध में ऐड करेंगे. 2 से 3 मिनट तक हम दूध को हीट करेंगे ताकि शुगर दूध में अच्छे से मेल्ट हो जाए. अब कस्टर्ड पेस्ट को दूध में थोड़ा थोड़ा ऐड करके जल्दी से स्टर कर लेंगे ताकि कोई लम्प ना बन जाए. ऐसे ही सारे कस्टर्ड पेस्ट को हम थोड़ा थोड़ा करके दूध में डालेंगे. कोई लम्स ना बन जाए इसलिए हम दूध को कंटिन्यूअसली स्टर करते रहेंगे. अब फ्यू ड्रॉप्स वैनिला एसेंस हम दूध में डालेंगे और इसको दूध के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे. धीरे धीरे करके मिक्सचर ठीक होने लगेगा. फ्यू मिनट्स थोड़ा और कुक कर लेंगे. रूम टेम्परेचर में कस्टर्ड को अब हम ठंडा कर लेंगे. अब कोई भी सर्विंग ग्लास या फिर बाउल में हम मिक्स फ्रूट जैम का एक लेयर ऐड करेंगे. अब मिक्स फ्रूट जैम के लेयर के ऊपर हम फ्रेश क्रीम का लेयर ऐड करेंगे. नेक्स्ट हम कस्टर्ड को ऐड करेंगे. कस्टर्ड को ऐड करने के बाद हम ओरियो बिस्किट पाउडर का एक लेयर डालेंगे. ऊपर वाले सरफेस को हम थोड़ा प्लेन कर लेंगे ताकि दिखने में अच्छा लगे. अब सबसे लास्ट में हम थोड़ा सा क्रीम डालेंगे. तो अब रेडी है ओरियो वैनिला कस्टर्ड. इसे आप लोग घर में बनाइए और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि कैसा बना. एंड प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक द वीडियोस.